अगर एक हाजी पाक हज इस्तेमाल करता है तो उसमें सारी उसको डिटेल मिल जाती है, ट्रेनिंग की, वैक्सीनेशन की, वहाँ नक्शे वगैरह या गुम हो जाता है, जो भी मालूम आते हैं, हम उसमें हमने किताब भी रखी हुई है, उनमें नक्शे भी रखे हुए हैं। इस दफा हम पहली मरतबा हाजियों को जो है ना यू फोन की सिम दे रहे हैं मुफ्त में, जिसमें 7 GB डेटा होगी और वो उसके जरिए अपने घर वालों से भी बात करेंगे। यहाँ पे डिस्कस हुई हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो हजाज कराम को पेश आती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, चूँकि हजाज फर्स्ट, कई हजाज ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं, इलाका भी नया होता है, जगह भी नहीं होती है। मुकम्मल प्रोसेस समझाया जाता है कि उनको हमने कैसे एयरपोर्ट से फिर बिल्डिंग तक लेके जाना, उनकी इंडक्शन करनी। ये हमारे लिए एक मौका है अल्लाह की उस बारगाह में जो हमारी हाजिरी लगेगी उसको मकबूल करने का, कि हम उसके मेहमानों की खिदमत कर सकें। It's more about public dealing and we'll be dealing with people from Pakistan in a foreign land. It's not like performing duties in Pakistan or guiding people in Pakistan because there's no language barrier and stuff like that. But like in Makkah, maybe we would have to be especially empathetic and kind towards the Hujjaj. मैं पहली दफा हज पे जा रही हूँ, तो हज वालों ने मतलब अच्छा इंतजाम किया कि मेरा तीसरा सेशन है कि उम्रे के मुताबिक हमें बताया कैसे करना है, हज के मुताबिक बताया और अपनी इंतजामी उमूर से भी आगाह किया।